ये जो यहाँ दिख रहा है ये है वाटर टैक्सी और हम यहाँ से अब जा रहे हैं अपने हाउस बोट की तरफ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डे 5 ऑफ द केरला व्लॉग सीरीज एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस डे बिकॉज आज है हाउस बोट जो कि हम लोग LAP में हमने ले रखा है हाउस बोट एक, और इस व्लॉग के आगे में ही आपको वो देखने को मिलेगा। और क्योंकि कल हमने इस प्रॉपर्टी का पूरे अच्छे से कवर अप नहीं किया था क्योंकि जब हम कल रात को पहुँचे थे तो रात हो गई थी, तो वो भी अभी हम कवर करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। आई सर स्विमिंग करने का तो टाइम नहीं है क्योंकि हमें यहाँ LAP निकलना है और वहाँ पे हाउस बोट बुक्ड है। सो LAP भी यहाँ से 4 घंटे का रास्ता है। सो आफ्टर वी आर डन विथ द ब्रेकफास्ट वी विल डिपार्ट फॉर LAP एंड वहाँ पे क्योंकि टाइम का रिस्ट्रिक्शन है हमें 12 बजे पहुँचना ही होगा, वी कैनॉट बी लेट। और अभी ऑलरेडी 7:50 हो चुका है। सो ब्रेकफास्ट हमारा रेडी है, हम लेट नहीं कर सकते। सो लेट्स हैव ब्रेकफास्ट। राइट, सो हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब हम जा रहे हैं रूम चेकआउट करने। ऑलराइट, टाइम टू से गुड बाय टू दिस प्लेस। बाकी इस प्लेस में मुझे ऐसा कुछ एज सच खराबी नहीं लगी। इस प्लेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका थीम जो है वो बहुत ही ऑर्गेनिक है और बहुत ही अच्छे लोकेशन पे बेस्ड है। रोड बहुत कम्यूटेबल है, रोड भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट थोड़ा सिटी से फार है। लाइक आप ऐसा नहीं सोच सकते कि इस होटल में रह के आप वॉक करके सिटी चले जाओ और वहाँ पे मार्केट घूम लो। यू हैव टू हायर अ कैब और ऑटो फॉर दैट। दैट्स इट गाइस। सो हम मिलते हैं सीधे कैब में और इस होटल का डिटेल रिव्यू मैं एंड में इसके अटैच कर दूंगा। दैट्स इट गाइस, सो सी यू इनसाइड द कैब। For all this time, we are at LAP, Kerala Backwaters, और यहाँ पे होगा हमारा हाउस बोट। वो हाउस बोट कहाँ है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे हमारा हाउस बोट है और अब हम शुरू करेंगे यहाँ से। ये जो यहाँ दिख रहा है ये है वाटर टैक्सी और हम यहाँ से अब जा रहे हैं अपने हाउस बोट की तरफ। फिर वहाँ से अलग अलग स्पॉट्स वो हाउस बोट पर कवर करेंगे और उसी हाउस बोट में हमारा नाइट स्टे भी है। सो अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं और अभी यहाँ से लंबा ट्रैवल करने के बाद, टायरिंग जर्नी के बाद, अब हम हाउस बोट फाइनली पहुँच चुके हैं। Oh,
कम्फर्ट है, यहाँ पे एयर कंडीशन लगा हुआ है, यहाँ पे टीवी है, यहाँ फ्रिज है, यहाँ किचन है, और ये जो पैकेज आता है इस पर तीनों टाइम का फूड इंक्लूडेड होता है, लाइक पूरा। अभी जैसे हम लंच करेंगे, डिनर करेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे, सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। सो रिफ्रेशिंग। Take me somewhere to warm or weather, to something better than here right now. The best part मुझे ये लग रही है कि इस बोट में थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं है, तो लाइक ये बोट आवाज़ नहीं कर रही, इसका इंजन पीछे लगा है, तो आप लोग जहाँ बैठे रहोगे वहाँ पे आवाज़ बिल्कुल नहीं आती बोट की। और फिर रात को इस बोट में एसी भी है, और जहाँ तक चार्जेस की बात आती है तो अगर आप दिन में एसी चलाते हो तो एडिशनल चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। बाकी रात में एसी जो है वो 8 PM से चालू हो जाएगा, और वो इसी लोकेशन पे आके, जो हम जहाँ से लोकेशन पे हमने छोड़ा उसी लोकेशन पे आके वो खड़ा होगा, उसी लोकेशन पे चलता है। और जब आप बोट चलाते वक्त एसी चलाते हो तो उस पर एडिशनल चार्जेस लगते हैं। सो ये बात नोट करने वाली है। So, 12 बजे अगर आपका बोट शुरू हो रहा है तो 2 बजे एक पार्किंग के लोकेशन जाके खड़ा हो जाएगा, और 2 से 3 बजे तक वो बोट कहीं नहीं चलने वाला, वहीं खड़ा रहेगा लंच ब्रेक। तो ठीक है, हवाएं चलते रहती हैं, थोड़ा सा धूप अगर ज़्यादा हो तो गर्मी भी लग सकती है, बाकी लीजर टाइम 200% है। मतलब आप इतना लीजर कि मतलब आप सोच पड़ जाओगे इतना लीजर। बाकी नेटवर्क्स की बात जहाँ तक आती है तो एयरटेल का इंटरनेट चल रहा होता है, अच्छा इंटरनेट चल रहा होता है एयरटेल का, जेट्टी कहते हैं इसे, जेट्टी। यहाँ का मेजर कम्युनिकेशन क्योंकि बोट्स पे ही होता है, तो ये बेसिकली बोट स्टॉप है, मतलब जैसे बस स्टॉप होता है ना, ये यहाँ का बोट स्टॉप। Waking up in the flower bed, the sun is up, table set, we eat and drink. Body and bread, blood and wine, there's a time to live, time to die, and a time to be. Slow down. Listen for a heartbeat with everything in motion. Say a word, hold a hand, life is not the sum. तो ये जो आपको जाता हुआ दिख रहा है, ये बोट बस है, गवर्नमेंट ऑफ केरला की तरफ से चलता है, और ये इसमें भी मेरे को लगता है कि 100-150 लोग आराम से आ जाएंगे। यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल ही अलग है, यहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं इन्हीं बोट बसेस में, यहाँ के लोग काम करने जाते हैं इन्हीं बोट बसेस में, तो यहाँ पे रोड कम्युनिटेबल एरिया नहीं, इनका पानी ही है और सारी चीज़ें बोट्स पे ही आना जाना चल रहा होता है। ऐसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इधर घर है, यहाँ पे घर है, काफ़ी सारा एरिया में सारे घर और अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ये सारे कम्यूट बोट से ही करते हैं, इनका कोई रोडवेज नहीं है, बोट्स आते हैं, बोट बसेस आते हैं, उनमें ये बैठते हैं और फिर मेन शहर जाते हैं, जो भी काम होता है वहाँ से करते हैं, फिर वापस आते हैं। सो दिस इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट लाइफ स्टाइल गोइंग इनसाइड इंडिया।
everything in motion. Oh, here now, I see the beauty that's woven in every single moment. पंक्चुअलिटी एट इट्स लेवल बेस्ट. 5:30 बजे हम एग्जैक्टली 5:30 बजे तक यहाँ पहुँच चुके हैं और अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे LAP का मार्केट जो है वो 1 किलोमीटर दूर है, हम वहाँ जाएँ या फिर यहीं पे रुकें. तो वो डिसाइड कर रहे हैं अभी. और दूसरी चीज़ क्या है कि फूड का ओवरऑल खाना का क्वालिटी, टेस्ट वगैरह सब बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है. ये यहाँ के स्टाफ्स भी काफ़ी फ्रेंडली हैं. और बाकी जहाँ तक राइड का सवाल है तो मैं तो बोलूँगा कि आप ना, मतलब अगर सामने में बैठ गए लाइक बोट के इस जगह पे, अगर आप बैठ जाते इस जगह पे और मस्त आंखें बंद करके बैठे हो और नज़ारे और ले रहे हो, तो मेरे को लगता है कि इट्स अ वर्थ इट ट्रिप. क्योंकि अगर आप ये ना, मतलब बहुत सूदिंग, बहुत काम और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल एक्सपीरियंस है, बिल्कुल ही एकदम वो नहीं होता, एकदम फ्रेश फ्रेश सा फील होने लग जाएगा आपको. और ऑलराइट गाइस, टाइम हो रहे हैं 8:00 है और अभी डिनर का टाइम हो चुका है. जब से ये गाड़ी पार्क हुआ है तब से ये लोगों ने AC भी चला दिया है, सो टेम्परेचर भी बहुत अच्छा है. दूसरी चीज़, यहाँ पे मच्छर बहुत आती है तो विंडोज़ वगैरह सारे क्लोज़ करने पड़ते हैं टाइमली, वरना इतने सारे मच्छर आ जाएंगे कि आप सोच भी पड़ जाओगे. तीसरी चीज़, आपका जो फैमिली टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने 2 घंटे ऊनो ही खेल लिया है, अभी काफ़ी ऊनो खेल लिया हमने और अब जो है डिनर करने का टाइम है. बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझे हाउस बोट का काफ़ी अच्छा लगा. दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आप नियरेस्ट मार्केट नहीं विज़िट कर पाओगे. यहाँ पे नियरेस्ट मार्केट जो अच्छा मार्केट है वो करीबन 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से. सो काफ़ी दूर है, सो वो नियरेस्ट मार्केट जाना एज इन पॉसिबल नहीं है, तो आपको टाइम बोट पे ही स्पेंड करना पड़ेगा. और मार्केट जाने का जो रास्ता है जो कि 20 किलोमीटर दूर है वो उतना अच्छा भी नहीं है. एक और चीज़ जो मुझे मेंशन करनी थी वो ये कि इस बोट में ये सारे ड्रेप्स लगे हैं इफ़ यू नीड मोर प्राइवेसी, क्योंकि बाहर जो यहाँ के लोकल्स हैं वहाँ से वो अंदर दिख रहा होता है. जहाँ पे ये बोट पार्क्ड है उसके जस्ट साइड में रोड है और वहाँ से सर चीज़ अंदर दिखती है. तो इफ़ यू नीड मोर प्राइवेसी, तो ये जो ड्रेप्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये आप डाउन कर सकते हो, और ये सारे डाउन होने के बाद बाहर से अंदर फिर कुछ नहीं दिखता. सो दैट वॉज आई थिंक एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू मैंशन. पंक्चुअलिटी बहुत सीवियर है इस बोट में. 8:00 हैं, डिनर आ चुका है और डिनर ये है. This is पनीर बटर मसाला और ये भिंडी दो प्याज, आलू जीरा, दाल फ्राई, चावल और चपाती और पापड़ इज ऑन द वे. ऑलराइट, सो अभी हम डिनर करते हैं, मिलता हूँ उसके बाद. तो हमारा डिनर हो चुका है, खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था. लाइक मैं कुछ निकाल ही नहीं सकता इसमें नुक्स, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट खाना था. बस आप हम अगर पहले शायद रोटी मैदे की बनी है, अगर हम आप बोल दोगे तो शायद वो आटा का बना दें, बट रोटी जो है वो मैदे का है और इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ इंडियन रोटी. थोड़ा सॉफ्ट नहीं है बट ऑल ओवर खाना बहुत ही गुड है. मतलब सब्जी से लेके, आलू की सब्जी से लेके, भिंडी दो प्याज से लेके, जो भी यहाँ पे बना है सारा का सारा काफ़ी टेस्टी था. ओके, सो अब मैं आ चुका हूँ अपने रूम. काफ़ी देर उनो खेलने के बाद और अच्छा वाला डिनर करने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है. आज का दिन काफ़ी रिलैक्सिंग था, काफ़ी प्लेजेंट था और काफ़ी ज़्यादा पीसफुल भी था. हाउस बोट्स इन केरला मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने इसके पहले कभी कोई हाउस बोट में मैं नहीं बैठा हूँ और आज का एक्सपीरियंस मेरे लिए तो बहुत ही यादगार रहेगा. आप ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, आपको ये होटल कैसा लगा हो, कैसा लगा ये ओवरऑल वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना. कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ सजेशंस है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे शेयर कर सकते हो. दैट्स इट गाइस, आज के लिए अलविदा चाहूँगा. कल हमारा day 6 है और कल मॉर्निंग में भी ये बोट राइड कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कवर होने वाली हैं day 6 वाले ब्लॉग में. सो कल वाला वीडियो भी आप ज़रूर देखना. दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे कल. बाय बाय.
electricity.